भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन स्वीकार करिए। आप कावेंद्र चौहान मेरा नाम है। 2022 उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एंट्री मार ली है और जो चुनाव का विगुल वो बच चुका है। इस बार का चुनाव इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में एक नई पार्टी आ रही है जो कि पहले से दिल्ली में सत्ता में। जी बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी। तो इस बार आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कितना फर्क डालने वाली है, इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ फैसल वारसी जी मौजूद हैं जो कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले और आपके दर्शकों को। जी फैसल साहब, सबसे पहला सवाल जो है वो बहुत सीधा और सटीक है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, तो ऐसे में एक नई शुरुआत, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो आप आ चुके हैं, ऐसे में कैडर को मजबूती भी देनी है, कैसे होएगा? आपने ये कैसे कह दिया कि कैडर मजबूत नहीं है? नई पार्टी है तो डजंट मीन कि कैडर मजबूत नहीं है। हम लोग जब से जुड़े और सांसद हमारे जो प्रभारी हैं संजय सिंह जी, लगातार यहाँ संगठन का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वो सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और 2020 में हमने पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद लगातार यूथ का संगठन विस्तार किया, यहाँ तक कि मेन बॉडी में भी तमाम लोग जुड़े और संजय जी के माध्यम से भी तमाम अच्छे अच्छे लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। तो हमारा संगठन इतना मजबूत है, मुझे लग रहा है और वर्गों का जो जितनी पार्टियां हैं उनका संगठन इतना मजबूत नहीं है। आप चाहे वो समाजवादी पार्टी उठा के देखिए, बसपा उठाइए, कांग्रेस उठाइए, किसी भी पार्टी को देखिए, उन लोगों की अभी 2017 से कोई प्रदेश स्तर की कोई मीटिंग नहीं हुई है, संगठन उनका पूरा नहीं है, उनके जिलाध्यक्ष पूरे नहीं है और आम आदमी पार्टी के मेन बॉडी हो या कोई भी प्रकोष्ठ हो, सब लोगों के पूरे संगठन है, मजबूती से काम कर रहा है हर जगह। यदि हम जॉब देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, यदि कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है, संजय सिंह है। तो समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बसपा की बात करूँ, बीजेपी तो सत्ता में है, बिल्कुल। तो ऐसे में ये लोग जो हैं, जो लोग पहले से यहाँ पर राजनीति करते आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है इनके सामने आप टिक पाएंगे? क्यों नहीं टिक पाएंगे? जब अच्छी नीयत होगी तो नेक नीयत मंजिल आसान, क्यों नहीं टिक पाएंगे? जब अच्छे इरादे और अच्छे काम और अच्छी नीयत और अच्छी सोच को लेके आए हैं, जो दिल्ली का विकास मॉडल है, जो वहाँ का काम है, हर कोई भी स्टेट में आप चले जाइए, सब लोग ये चाहते हैं, उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिलाओं को बस में फ्री सफ़र, सारी सुविधाएँ मिलें। तो यदि हम यही सब फार्मूला उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि सभी लोग इसका स्वागत करेंगे और जनता भरपूर साथ देगी। फैसल जी, आपने दिल्ली मॉडल की बात की, तो क्या उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल फिट बैठ रहा है? क्यों नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठ सकता? क्या हिंदुस्तान डजंट मैटर? जब हम 2.5 करोड़ लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं जो चीज़, तो यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा आता है, बड़ा सूबा है, ज़्यादा यहाँ पे उद्योग हैं, चीज़ें हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाई जा सकती है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इससे पूर्व में चाहे बसपा की सरकार रही हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, ये लोग आए ज़रूर हैं जनता को, लेकिन इन लोगों ने ठगा है और सिर्फ लूट किया है, नफरत की राजनीति की है, आपस में बांटा है, गंगा जमनी तहजीब को हमारी इन्होंने कलंक पर लगाया है। हम लोग यहाँ धर्म की राजनीति करने नहीं आए हैं, जाति की राजनीति करने नहीं आए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ के आने वाली नस्लों को, जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दें, हम चाहते हैं कि वो शिक्षित हो जाएं और यदि वो शिक्षित हो जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। एकाएक कैसे होगा सर? आप मान लीजिए ठीक है, चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में भी आते हैं, एकाएक शिक्षा कैसे अच्छी कर देंगे, कैसे सुधार? क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए ना, दिल्ली का और यहाँ का आप शिक्षा का बजट देखिए, उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का एक है। तो हमने, आपने 2012 में दिल्ली के स्कूलों की हालत भी देखी होगी और अब आप दिल्ली के स्कूलों की हालत देखिए। यदि आप काम करते हो और सही तरीके से चीज़ों को करते हो तो वहाँ क्यों नहीं हो सकता? उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है, बड़ा राज्य है, यहाँ ढंग से जब हम काम करेंगे चीज़ों को लेके और अच्छी प्लानिंग हम लोगों के पास होगी तो हम यहाँ भी करके दिखा देंगे। आप हमें मौका दिलवा दीजिए एक बार। आप तो खुद उत्तर प्रदेश से हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश हूँ मैं, तो खुद अपना इतना प्रताड़ित हूँ, जो मेरा क्षेत्र है वहाँ सपा से भी सांसद, मंत्री, विधायक, चेयरमैन, हर पार्टी का वहाँ रह लिया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा हो। बट यदि आप विकास की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़ीरो है, वहाँ पे कोई बस स्टैंड नहीं है, वहाँ पे सरकारी अस्पताल है तो वो नाम का है, सरकारी अस्पताल ज़रूर है लेकिन वहाँ सिर्फ शराब पी जाती है और जुआ खेला जाता है और जितने बुरे काम होते हैं उस अस्पताल के अंदर होते हैं, ढंग की कोई बात नहीं होती है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना हुआ है, सड़कों का हाल बेहाल है। क्या कारण क्या समझते हैं? नेता जो बन जाते हैं ये लोग, ये
बनने के बाद वहाँ नज़र नहीं आते हैं। अभी सांसद जीते हैं बसपा के, वो गठबंधन में चुनाव तो ज़रूर जीत गए, लेकिन जब से चुनाव जीते हैं वो 19 से लापता हैं, तो लोग आते ही नहीं। लेकिन जनता मजबूरी में अपना वोट दे देती है ये सोच के कि नहीं शायद इस बार ये उम्मीद करके वादे करते हैं ये लोग झूठे। ये तो आज भी आविष्कार का विषय है कि ऐसा कौन सा चूर्ण है कि जब सत्ता में आ जाते हैं तो बदल जाते हैं। भाई विकास, आप भी सत्ता में आ गए आप नहीं बदलेंगे। हम इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि हमने दिल्ली में देखिए साहब करके दिखाया और हम लगातार कार्य कर रहे हैं, चाहे वो फ्लाईओवर वहाँ पे बनना हो। अभी आपको पता है एक फ्लाईओवर बना जो शीला दीक्षित जी ने पास किया था 2010-11 में, वो पूरा अब हुआ है, उस पर काम हुआ बाद में 750 करोड़। कांग्रेसियों ने ये कह दिया कि उनके किए हुए कामों पर आपने फीता काट दिया। सुनिए ना, 750 बना नहीं था, पास हुआ था, 750 करोड़ रुपया उसका बजट था। हमने वो फ्लाईओवर 350 करोड़ में बना के 450 करोड़ रुपया बचा के जनता से ही केजरीवाल जी ने पूछ लिया कि बताइए अब इस बचे हुए पैसे का क्या करना है। तो उससे उन्होंने तमाम चीज़ें दवाएं और जो जो जनता की ज़रूरत थी उसको पूरा करने का काम किया। वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ आम आदमी को बिजली के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है और इतना बिल नहीं देना पड़ रहा है। यहाँ इतने घोटाले हो रहे हैं मीटर के, बिजली के, लोगों को अनाप शनाप बिल दे दिया जाता है, पानी जिनके बिजली के कनेक्शन कटे हुए उनको दे दिया जाता है। यहाँ तक के एक लखनऊ में घटना ऐसी हुई और इलाहाबाद में कि जिस घर में बिजली थी ही नहीं उनको बिजली का बिल 2.5 लाख का पकड़ा दिया गया, किसी को 7.5 लाख का पकड़ा दिया गया, 1905 से बिल उनको दे दिया गया। तो इस तरह के तमाम मामले हैं जो इस सरकार में होते रहते हैं। अभी देखिए जल का घोटाला हुआ है, राम जन्मभूमि के नाम पे, मंदिर के नाम पे, ये देखिए इन्होंने ज़मीन कितनी महंगी कर दी। एक ज़मीन 7:10 पे खरीदी गई 1.5 करोड़ रुपए की, वो 5 मिनट बाद 7:15 पे फिर बेच दी जाती है 18 करोड़ रुपए की, 18.5 करोड़ रुपए की। तो ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ना शमशान को, ना मंदिर को, ना जल को, ना शिक्षा के मंदिर को, हर विभाग में। क्लैरिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन ये बताइएगा बिजनौर से शुरुआत करते हैं, आपने बिजनौर से किस तरीके की शुरुआत की, क्या आपने बदलाव लाने की कोशिश की वहाँ पर? देखिए मैं जुड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स में, आई वॉज इन लंडन, मैं समाजवादी पार्टी से पहले जुड़ा। समाजवादी पार्टी में एक्टिव जो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, मैं 2004 में बीच में एक ब्रेक में आया है वहाँ फॉर हॉलीडेज फॉर ए मंथ और टू। तो कुछ इंसिडेंट्स हुए ऐसे जो मुझे भी प्रताड़ित करने की कुछ लोगों ने कोशिश की और उनको ये नहीं पता था आई यूज टू बी क्लोज विद वेरी क्लोज विद अखिलेश जी। तो इंस्पेक्टर ने हमको रोक लिया कि भाई वो ही आज भी सम मनी कि आप 2.5 लाख रुपया दीजिए एंड यू हैव ए नाइस कार वेर यू फ्रॉम वोड इन बिजनौर। तो आई यूज टू बी लाइक इन हैंग अराउंड इन ए कार, नाइस कार, आई लव कार्स ऑलवेज। तो अच्छी गाड़ी में था, तो प्री प्लान वहाँ के कुछ दलालों ने ये प्लान किया कि समहाउ टारगेट कीजिए, इनसे पैसा लेंगे, ऐसे राजनीति शुरू हुई। तो उन लोगों ने मुझे रास्ते में हाथ दिया, मैंने गाड़ी को रोका और उन्होंने कहा आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा, आपके पास तो हथियारों की सूचना है, आपके पास अवैध शायद बगैर लाइसेंस की बंदूक है। तो मैंने कहा आप सब चेक कर लीजिए। तो मैंने कहा चलिए थाने चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो वहाँ गए, जब उनको पता चला मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो ही अपोलोजाइज्ड। इतने में फिर अखिलेश भाई को पता चल गया, एसपी साहब को पता चला, तो हमने कहा इन्होंने बहुत बुरा किया हमारे साथ, ये 2.5 लाख रुपये मांग रहे हैं हमको छोड़ने के। तो उन्होंने फ्री में हमको खैर छोड़ा और फिर हमने उन लोगों को सस्पेंड भी कराया क्योंकि उन्होंने इतनी बुरी ये हरकत हम लोगों के साथ की थी। हमने सोचा कि जब ये हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं तो यहाँ की जनता के साथ कितना करेंगे। फिर हम वापस चले गए, 7-8 में हम वापस आए लंदन से फिर दोबारा। तब हमने 2009 का चुनाव लड़ाया जो लोकसभा चुनाव था, उससे अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स की शुरुआत की। 2009 से 20 तक हमने लगातार सक्रिय राजनीति की, समाजवादी पार्टी में काम किया, उनके बहुत सारे सम्मेलन, चीज़ें, रथ यात्रा, जो कुछ भी उस दौरान रहा उस सब का हम हिस्सा रहे। अच्छा, अपने दर्शकों के लिए एक बात बता दूं, क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण पद पर अब आ चुके हैं, तो ऐसे में जब आपकी हमने कुंडली खंगालने की कोशिश की तो आपका गहरा रिश्ता जो है वो समाजवादी पार्टी से नजर आया। नहीं, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के साथ इतने वर्ष बिताने के बाद आप उनसे अलग कैसे हुए? देखिए जब विचारधारा में या कहीं उसूलों पे जब आँच आती है, कोई इख्तलाफ टकराव हो जाता है, तो कहीं भी कोई जा सकता है, एवरीवन इज़ फ्री। मैं अभी भी उनको बुरा नहीं कहूँगा, पर्सनली इज़ ए सच ए नाइस पर्सन अखिलेश जी, एंड हमारा अच्छा वक्त गुजरा है। तो मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी के साथ रहता हूँ, अच्छा वक्त गुजारूँ, तो उसको बुरा नहीं कहूँगा, अपशब्द नहीं कहूँगा। तो जो कुछ भी था वो उनके नेताजी हमारे जो हैं आदरणीय, उनकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके चलते मैंने क्लेरिफिकेशन भी दिया, बताया भी। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द अब लोग घुस गए हैं, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो उनको बहुत मिसगाइड करते हैं। हमने हमेशा उनको सच का आईना दिखाया, सच बोला,
और सच से कभी भागे नहीं, और जो लोग इस तरह के हैं उनको चापलूसी करते हैं, गलत सलत बात बताते हैं, तो उनको शायद भ्रमित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो हैं वो आपकी गुड लिस्ट में शामिल हैं, तो आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का, जैसे कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने सवाल किया था माननीय सांसद श्री संजय सिंह, क्या समझते हैं भाई, शिष्टाचार मुलाकात थी जो उनकी मुलाकात हुई, जो अभी तक हमारी नॉलेज में है, सबको बताया गया। यदि गठबंधन के संदर्भ में कोई बात होगी और आगे चर्चा होगी तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। बड़े नेता मिलते हैं तो फिर इसी तरीके की चर्चा नहीं, उनका जन्मदिन था, उसके अगले दिन उन्होंने उनको जाके, तो कितने नेताओं नहीं तो उन्होंने दी उनको बधाई। पहले उस संजय भाई भी समाजवादी पार्टी में थे, एक उनके रिश्ते हैं, उनसे ताल्लुक है। अब योगी जी का जन्मदिन होगा तो जाएंगे? मैं योगी जी का होगा ये उनका पर्सनल मैटर, अगर जाना चाहेंगे जाएंगे, मुझे लगता नहीं कि जाएंगे क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति नहीं है। अखिलेश जी एज कम्पेयर टू योगी जी इज़ मच बेटर, ये तो आप भी जानते हैं कि उन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया है। योगी जी सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, जगहों के नाम बदलने की राजनीति करते हैं। जो व्यक्ति अजय बिश्ते योगी आदित्यनाथ हो सकता है, जो अपना स्वयं का नाम बदल सकता है, वो कि जगहों का नाम भी बदल सकता है। वो प्रयागराज को इलाहाबाद को प्रयागराज, अलीगढ़ को हरिगढ़, फिरोजाबाद को कुछ और, सबको कुछ भी कर सकता है। उनके पास अपना ये तर्क है कि इसके नाम दरअसल पहले यही थे जिनको बदला गया, तो अब उन्होंने दोबारा से वो उनका बनाया हुआ कुछ नहीं है ना। आप ये बताइए इन लोगों ने क्या बनाया, आरएसएस के बीजेपी के लोगों का देश को चलाने में बढ़ाने में क्या योगदान है? आप भी जानते हैं ना तो कोई ऐतिहासिक इमारतें ये लोग बना के गए, ना इनके पूर्वजों ने कोई काम किया, काम तो ये करा हुआ ये योगी जी के, ये जितने भी लोग हैं ये आरएसएस के लोग हैं, इनके लोगों ने कुछ बनाया? ये तो गॉडसे के चाहने वाले लोग हैं जो गांधी जी की हत्या करता है। ये तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश अंबेडकर जी के संविधान से चले, इनकी तानाशाही से नहीं, ये हमारा मानना है। उसमें सब समान है, सब वर्ग के धर्म जाति के लोगों को वरीयता दी गई है और सबको समानता दी गई है। फैसल साहब, आप उत्तर प्रदेश में यूथ विंग की कमान संभाल रहे हैं, तो ऐसे में यूथ के लिए आपके पास क्या है, क्या है पिटारे में? देखिए, पिटारे में इतना है कि यदि हमको चांस मिलेगा और हम लोग किसी भी प्रकार से सरकार में आते हैं, जैसा आपने कहा गठबंधन से आ जाए या जनता हमको वैसे ही मौका दे दे, एनीवे हम 10 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे हर साल कि युवाओं को मिले, महिलाओं की सुरक्षा पे हम बात करेंगे, उनके जो आए दिन ये घटनाक्रम होते हैं इस पे हम, जो लॉ एंड ऑर्डर इनका इतना बिगड़ा हुआ है, महिलाएं प्रताड़ित हैं, इनके लिए काम करा जाएगा, और तमाम ऐसे छोटे छोटे जो गाँव में लघु उद्योग हम खोलेंगे और लगाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले और उनके बच्चे, यदि आपके पास रोज़गार होगा तो आप अपने जनरेशन को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, और जब बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो फिर ये जो बातें हैं धर्म जाति नफरत ये नहीं होती। हम इसकी वजह से पिछड़ रहे हैं, हमको देश को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है तो हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी होगी, उनको बाहर शहरों में भेजना होगा या ऐसी व्यवस्था अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने गांव में, अपने कस्बे में करनी होगी कि वहां अच्छे स्कूल हो जाएं, उस स्तर के स्कूल हो जाएं जैसे होने चाहिए और उनको एक अच्छी शिक्षा मिल जाए। अच्छा ठीक है, उत्तराखंड में भी आप इस बार दाव लगा रहे हैं, तो ये बताइएगा उत्तराखंड में तो आपने एक सीएम फेस घोषित कर दिया है कि आपके कर्नल अजय कोठियाल साहब हैं वो वहां पर सीएम फेस हैं, उत्तर प्रदेश में संजय भाई Who else it could be? He's प्रभारी, उनको पूरी जिम्मेदारी हुई है, इसमें तो कोई इफ़बट ही नहीं है। अगर सरकार बनेगी तो संजय भाई के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, हम किसी को चाहेंगे भी नहीं बने, क्योंकि सड़क से संसद तक गरीबों की, आमजनों की, हर एक वर्ग की लड़ाई यदि किसी ने लड़ी संजय भाई ने, कितने मामले हैं आप देखते हैं कि यदि संसद में लोग राज्यसभा में कोई बोलता है तो जहां अन्य लोग चुप बैठे हुए हैं सीबीआई का डर हो या जो भी मामला हो, निडरता से यदि कोई अपनी बात रखता है तो संजय सिंह जी रखते हैं और कोई नहीं रखता। नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्या है उन पे खोने के लिए बताइए, ईमानदार नेता है, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, कोई आरोप नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है बताइए आप। ठीक है, एक और चीज़ है फैसल साहब यहाँ पर कि जब पंजाब में चुनाव हुए तो ऐसा कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जीतते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब चले जाएंगे, वहां से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं का होगा, अभी इंटरनल एनालिसिस था। अब बताइएगा अगर उत्तर प्रदेश में जीत जाते हैं मान लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं कहेंगे कि हाँ अब यहां, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों कहेंगे, हम इतनी लंबी बात ही क्यों सोचे, अभी उनको कहा गया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप हैं, अभी हम आपस में ही सोच के इसी बारे में अगर लड़ते रहेंगे, हम तो कह रहे हैं केजरीवाल जी जो कहेंगे हमें माननीय होगा, वो पार्टी हित के लिए, प्रदेश हित के लिए अच्छा ही सोचेंगे, और मुझे नहीं लगता कि संजय सिंह जी से अच्छा कोई चेहरा उनके पास है, तो ही इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा ठीक है, एक और सवाल है, ये इंटरनल एनालिसिस है, उसी से है मेरा पर्सनल सवाल है। ये सवाल ये है कि देखिए सरकारें बदलती रहती हैं, बसपा हो, सपा हो या फिर बीजेपी हो, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो
लेकिन जो नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिस्टम है, जो एक आम आदमी है, मान लीजिए बिजनौर के किसी गांव में एक आम आदमी बैठा है, या फरखाबाद के किसी फतेहगढ़ में एक आम आदमी बैठा है, या फिर शामली में कोई आम आदमी बैठा है, उसके पास तक दरअसल चीजें पहुंचती नहीं है, कुछ उसको बदलाव नजर नहीं आता। उसके ऊपर वही दरोगा है, उसके ऊपर वही सिपाही है, उसके ऊपर वही उसका लोकल का विधायक है जो कल को कांग्रेस में था, आज सपा में है, कल बसपा में होगा। तो ये चेंजेस कैसे डेवलप होंगे? देखिए ऐसे होंगे, बिजली मिलेगी तो सबको मिलेगी, फ्री मिलेगी। जब हम करेंगे, जो हमने कहा है कि 300 यूनिट बिजली देंगे, तो ये नहीं कहा कि किसी पर्टिकुलर शहर को देंगे या किसी गांव को ही देंगे, वो पूरे उत्तर प्रदेश में सुविधाएं लागू होंगी। भ्रष्टाचार के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए जाएंगे। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे, सांसद होंगे या विधायक होंगे, जितने भी जुड़े सरकार से लोग होंगे, उनको निर्देशित किया जाएगा कि आपको जिम्मेदारी के साथ अपने क्षेत्र में रहना है, उनका रिपोर्ट कार्ड चेक कराया जाएगा, उनकी हर चीज पे नजर रखी जाएगी। बिल्कुल, आपको कहने सुनने में अच्छा आपको लग रहा है ना, कहां है क्यों नहीं है? अब आप बताइए ना, हमारे कहां दिल्ली में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या गलत हो रहा है बताइए। एक सड़क भी बनती है तो 7 ऑब्जर्वर होते हैं उसको चेक करने के लिए, 2 करोड़ 24 करोड़ कैसे, क्यों नहीं होगा? जो 2 करोड़ को चला सकता है सर, वो 24 करोड़ क्या 24,000 करोड़ को चला देगा? आप बताइए, एक छोटी सी जगह को इतनी खूबसूरती से वो चला रहे हैं, तो वाई नॉट यूपी? यहाँ तो हम और अच्छे से, मजे से और बड़े कायदे से, आपको फर्क आएगा जब ये सारी चोरी चकारी क्राइम भ्रष्टाचार सब बंद हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सब लोग होंगे। मैंने कहा ना, सब शिक्षित हो जाएंगे तो विकसित हो जाएंगे। तो आप ट्रस्ट कीजिए, एक बार मौका आने दीजिए, आप लोग खुद कहेंगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ है, कैसे ये काम आपने कर दिया। तो जब चीज़ें होंगी तो वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी, और बहुत जल्द, मैं बहुत लंबा टाइम भी नहीं कह रहा, सरकार बनने के 6 माह के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। थानों में जो लोग ये पैसा मांगते हैं, या किसी भी सरकारी विभाग में जो ये पैसा मांगा जाता है काम कराने के नाम पे, चाहे वो छोटे छोटे काम हो, आधार कार्ड में करेक्शन हो, आपका राशन कार्ड का काम हो, या कोई भी जो नगर पालिका के छोटे छोटे काम होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, कुछ भी इशू हो आपका, तो ये सारा सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा करेगा, उसको हम फिर बैठने नहीं देंगे चैन से। हमें करप्शन फ्री बनाना है, उत्तर प्रदेश को अच्छा बनाना है, सुशासन वाला प्रदेश बनाना है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का हमारा जो है मिशन है, और उसको हम करके ही दम मानेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम, आपने कहा कि मैं नई पार्टी, आई एग्री, मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट वी आर रेडी टू सेक्रीफाइस, वी आर रेडी टू वर्क। ठीक है फैसल साहब, अब आते हैं आपके यहाँ, मतलब बिजनौर पहुँचते हैं। फैसल साहब ये बताइएगा, बिजनौर में किस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि घर से शुरुआत होती है हमेशा, तो आप वहां से किस तरीके की शुरुआत कर रहे हैं, क्या कुछ आपने करने की कोशिश की, और आपको लगता है कि अगर सत्ता भी हाथ आ गई तो और ज़्यादा लोगों के बीच आप बदलाव ला सकेंगे? देखिए, घर से मजबूत होना बहुत इंसान का ज़रूरी होता है। जब मैं आम आदमी पार्टी में आया, तो जिस दिन मैं घर गया ज्वाइनिंग के बाद, तो लोगों में इतना जोश था, मैंने किसी को नहीं कहा कि आओ आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। तो यू शुड वॉच दैट वीडियो, द डे आई वॉज गोइंग टू माई प्लेस, तो देर वर अराउंड 200 कार्स जो मुझे लेने आई, कम से कम 100-200 ई रिक्शाज, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, एंड जो छोटे हाथी होते हैं, मोटरसाइकिल्स, पैदल पब्लिक, तो देर वर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, एंड दे सेड वी आर विद यू बिकॉज वी केयर फॉर यू, पार्टी डजेंट मैटर, जहाँ भी आप रहो, लेकिन आपने अच्छा काम किया है और हम सब लोगों की मदद की है। मैंने कभी किसी से दलाली नहीं लिया, थाने पुलिस से जो वहाँ सिस्टम है आप लोग जानते हैं कि भाई छुड़ाने के नाम पे, पकड़ाने के नाम पे, एक ये भ्रष्टाचार से, मतलब हमारा एरिया तो बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित है इस मामले में। हर गली में एक दलाल और एक नेता है, कुर्ता पजामा पहन के निकल जाते हैं, और अपना सारा दिन उनका काम यही है कि उनको 10-5 हज़ार रुपया इकट्ठा मिलाना है। तो मेरे रहते जितना मुझसे प्रयास हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने सब कुछ रोक दिया, बट जितना हो सकता था, जितना कर सकते थे, हर वर्ग के लोगों की मदद, बिना जाति के, धर्म के, भेदभाव के, उन लोगों की एक तो मदद की, उनको न्याय दिलाने की प्रयास किया। पुलिस प्रताड़ित करती थी, पकड़ती थी, झूठे केस में फंसाने के, यहाँ तक के 1-2 हत्या के मामले हुए, उनमें भी लोगों को न्याय दिलाया, मर्डर किसने किया, दोषी किसको बना रहे हैं, या एक रेलवे ट्रैक पे लड़के को रख दिया मार के, हाथ पैर तोड़ के, उसका मामला था, तो जितने भी, या एक किडनैपिंग का मामला था, सब लोगों को न्याय दिलाने का मैंने प्रयास किया। इसके अलावा इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैंने एक लोकल चुनाव भी लड़ा, जो नगर पालिका का चुनाव होता है, मैं उसमें थोड़े वोटों से हारा, और एंड टाइम में लड़ा, वो भी एक उसमें कि भाई बदलाव करना था, वहाँ के लोगों ने मुझे प्यार भी बहुत भरपूर दिया, और मैं बहुत कम वोटों से भी वहाँ हारा, क्योंकि शराब बांटने का एक सिलसिला हो गया था और उसमें झगड़ा हो गया था। मेरे सामने राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के,
तो उन्होंने वहाँ की, उससे पूर्व में भी वो चेयरमैन थे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे और अब विधायक भी हैं। जनता का या क्षेत्र से उनका कोई मतलब नहीं रहा, कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। एक जो मीठी छुरी होती है उस तरह का उन्होंने काम किया कि मीठा मीठा चचा भैया अंकल भाई भतीजा बोलना और काम निकालना, लेकिन ऑन ग्राउंड उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया। बेशुमार पैसा समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नगर पालिकाओं को मिला, सौ करोड़ रुपये आया नगर पालिकाओं को विकास के लिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में हुआ विकास। हम इसके विरोध में चुनाव लड़े, उन्होंने शराब बांटी, हमने पीटा दबा के मारा और जेल भिजवाया उनके लोगों को, गाड़ियां जब्त कराई, ट्रक पकड़वाया और उनको भी ज़मानत करानी पड़ी अपनी। और उसमें थोड़ा एक दो दिन, क्योंकि वोटिंग से एक दिन पहले की ये घटना थी तो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने दुनिया भर के काम किए, पुलिस को पैसा दिया, ये किया वो किया, हमारे इलाके में जहाँ वोट थे उनको हमें हराने के लिए, क्योंकि फिर जीत की बात नहीं रह गई थी, उनको हमें हराना था, तो बहुत अनाप शनाप पैसा बांटा, तो खैर हम हार गए। लेकिन उसके अलावा उससे पूर्व में भी जब हमने काम करना चाहा तो हम समाजवादी में भी रहे तो हमने गलत का साथ नहीं दिया, हमने पूरा विरोध वाला काम किया जिसने गलती की। वहाँ के मंत्री हों, सांसद हों या कोई भी विधायक हों, यदि कुछ गलत किया तो हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई। हमने वहाँ पे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज पास कराया, ज़मीन में से, लोगों के बागों में से, खेतों में से उसको रास्ता दिलाया, तमाम मुश्किलों को, अड़चनों को झेलते हुए अपना पैसा खर्च करके कि हमारे शहर में एक चीज़ हो जाए, लेकिन उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने उसको रोक दिया, उसमें केस डलवा दिया, कहीं कुछ कर दिया। फ्लाईओवर पास कराया तो उसमें उन्होंने कहा कि ये छोटी जगह है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको रुका दिया। फिर हमने स्टेडियम, क्रिकेट का शौक़ था, आई यूज़ टू बी ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, तो मैं लॉर्ड्स में खेला हूँ, ओवल में खेल चुका हूँ लंदन में, तो बहुत शौक था तो मेरे अंदर था, तो मैंने बहुत मतलब ऑल इंडिया लेवल के टूर्नामेंट्स कराए। उसमें हेलीकॉप्टर से अभिषेक मिश्रा जी और एडीजी फायर, तमाम लोग, दुनिया के अधिकारी शामिल हुए मेरे साथ हेलीकॉप्टर से वहाँ हमारे बिजनौर आए क्षेत्र में, जो मेरा पैतृक कस्बा है, पैदाइशी जगह है सोहारा, वहाँ पे बहुत से प्राइज़ दिए गए, मैंने उसमें चंदा नहीं मांगा, मोटरसाइकिलें थी, कैश प्राइस था 1,00,000, 2,00,000, 2.5 लाख, इस तरह से वो मैंने अपने पास से दिया ताकि खेल के क्षेत्र में भी युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। हम कुछ नहीं कर पाए तो ये था कि यहाँ के लोग जो प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वो आगे निकलें। तो दो बार ऐसा मैंने आयोजन कराया। फिर मुझे मशायरों का, कवि सम्मेलन का बहुत शौक़ था तो मैंने बहुत बड़े लेवल पे दो मशायरे भी कराए, कवि सम्मेलन भी कराए, तो उसमें दो तीन शायर जो आए, मंजर भोपाली साहब, नवाज़ साहब, उन्होंने कहा कि हमें इम्प्रेशन ये था कि छोटी जगह है, बहुत छोटा प्रोग्राम होगा, बट उन्होंने कहा कि ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मशायरा है जो हमने पढ़ा, इतनी पब्लिक, इतनी बड़ी जगह और ऐसा इंतज़ाम, वी हैव नॉट सीन इट बिफोर। तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। मैंने फिर महिलाओं पे चूल्हे की, हमारे यहाँ आपने देखा होगा जो पिछले इलाके हैं या जगहें हैं, महिलाएं मिट्टी के चूल्हों पे रोटियां या खाना सब्ज़ी बनाती हैं, तो मैंने बहुत जगह जाता था, देखता था, तो गर्मी में बड़ी ऐसी मजाक में दो तीन जो माताएं थीं, बहनें थीं, कि भैया बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी में, चूल्हे की व्यवस्था कराओ ना, तो वैसी कोई योजना तो थी नहीं, वो नहीं था। तो मैंने पता कराया कि ऐसे कितने लोग हैं क्षेत्र में जो हमारे आसपास जिनके घर चूल्हे नहीं हैं, तो 5500 कुछ लोगों का नाम आया। मैंने उन 5,500 माँ बहनों को चूल्हे दान किया, मंगा के पूरा ऑर्डर करके 5,500 घरों तक चूल्हा पहुँचाया कि भाई चलो आपको हम पहुँचाते हैं, और कहा कि यदि आगे मैं कुछ बना तो सिलेंडर भी दूंगा, अभी इतने से काम चला लो, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो वो चूल्हे की व्यवस्था मैंने कराई, तो बहुत खुश हो गए। बच्चों की एजुकेशन में मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, बहुत अभी भी देता हूँ, मतलब चाहे छोटे हों या बड़े हों, तो जो भी उनकी चीज़ें अच्छा, होती हैं। फैसल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बताइएगा, आपने दिल से सेवा की, ठीक है, फैसल साहब आप कैसे लड़ेंगे जहाँ पर आपने शराब बांटने की बात की इलेक्शंस के टाइम पर, जाति धर्म, ये जो राजनीति है, ये जो राजनीति की जो, ये जो नेगेटिविटी है, इनसे कैसे लड़ेंगे? अगर यही आपको लगता है कि समाज सेवा के जरिए आप पार कर पाएंगे? अगर यही बात आज से आज़ाद होने से पहले हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जी सोच लेते तो क्या ये देश आज़ाद हो पाता? आप बताइए, उम्मीद पे दुनिया है, अगर इफ़ यू हैव द होप यू हैव द वे। आप उम्मीद यदि छोड़ दोगे तो नाउम्मीदी जो है वो हमारे यहाँ कुफ्र कहते हैं कि कुफ्र है, मायूसी जो है कभी इंसान को नहीं करना चाहिए। आप अपना अच्छा कर्म कीजिए, फैसला ऊपर वाले के हाथ छोड़िए, आप अपनी नीयत कोई तो बदले, कहीं तो कोई चेंज हो। अगर मैं भी यही सोच के बैठ जाऊँगा कि ये शराब बांट रहा है, ये भ्रष्ट है, ये ऐसा कर देगा, तो बदलाव नहीं होगा।
किसी को तो एफर्ट लेना पड़ेगा ना, किसी को तो कोशिश करनी पड़ेगी दोस्त। तो आई एम ट्राइंग टू मेक चेंज। अच्छा ये समझिए, जैसे आपका कुर्ता सफ़ेद है, सफ़ेद कुर्ते में हल्का फुल्का दाग लग जाए उसे साफ़ किया जा सकता है। आप इस पर मान लीजिए चाय का दाग लग जाए तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाति धर्म ये जो बहुत ज़्यादा जड़ों तक बहुत बुरी तरीके से जकड़ लिया है ना। जब हम संविधान की बात करेंगे और लोगों को उनके अधिकार, उनके हकूक, उनकी चीज़ों को बताएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोगों को समझ में आएगा एक दिन। और उम्मीद से ही सब कुछ होता है। हम घर घर जाएंगे। आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये है कि सब लोगों को सम्मान मिले, हर वर्ग को सम्मान मिले, उनके काम हो। देखिए हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, बिजली पानी जितनी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है ना। तो हमको क्यों या हर वर्ग को क्यों मिलनी चाहिए। सरकार बने सबका फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि सरकार बन गए तो जो नेता के चेले चपाटे हैं उनका भला हो गया, उनको ठेके मिल गए। यहाँ वो सिस्टम नहीं है, ना ठेका है, ना काम है, ना कुछ है। यहाँ सिर्फ है तो वो विकास है, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने की बात है। भला होगा तो सब लोगों का भला हो जाएगा। बच्चे यदि स्कूल जाएंगे और पढ़ेंगे तो चाहे अमीर के हो गरीब के हो सबका स्वागत है उसमें। ये नहीं होगा कि चीटिंग है, इसका छोड़ दो, उसका ले लो, उसका ले लो। यहाँ कोई भी एक शॉर्टकट नहीं है, आपको सीधे रास्ते पे चलना है। मुश्किल है, जो डगर है हमारी आम आदमी पार्टी की, लेकिन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अभी कर जाएंगे साहब 22 में, हम 403 सीट हैं, हम 250 सीट ला रहे हैं। मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम सरकार बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। लेकिन जितना होगा इस संदेश को, केजरीवाल जी के दिल्ली के विकास मॉडल को, आम आदमी पार्टी के काम को, उनकी नीतियों को जब जन जन तक पहुँचा देंगे तो मुझे बिल्कुल कर दिया है। अब से नहीं किया है सर, आई स्टार्टेड इन 2020। जिस दिन से किया है आप देख लीजिए, कोरोना आया हमारे क्षेत्र में तो क्या, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत सारे नेता ऐसे थे जो जनता से बात ही नहीं कर रहे थे। सांसदों ने, विधायकों ने फ़ोन बंद कर लिए थे, जो जनप्रतिनिधि थे वो गायब हो गए थे। लेकिन उस समय भी हमने जनता को गले लगाने का काम किया। कोरोना में मैंने, आम आदमी पार्टी ने, तमाम लोगों ने, साथियों ने सबके बीच जाकर काम किया, उनकी मदद की। राशन हो, आप मेरा प्रोफाइल चेक कीजिएगा किसी दिन, तो यू विल गेट टू नो, यू विल सी थिंग्स बाय योर सेल्फ। उसमें कोई वो नहीं है, बट मतलब मैं कोई चेंज नहीं कर सकता हूँ कि हम लोगों ने कितने लोगों को राहत पहुंचाई है, चाहे वो सूखा राशन देना हो, जबकि मेरा कोई सरकारी फंड नहीं है, मैं कोई किसी ऐसे पद पे नहीं हूं जहां से मुझे कोई तनख्वाह मिल रही है या कोई पैसा मिल रहा है। अपने स्तर से और अपने टीम के सहयोग से और ऐसे तमाम लोगों को जागरूक करने का काम किया, उनको भी शर्म आ गई। और मैं इतना बोला अपने क्षेत्र में और नेताओं को कि जागो, शर्म करो, अब शर्म कर लो, तुम भी तो कोई दो, तुम भी कुछ करो। तो उनको इतना जलील किया कि वो लोग भी लास्ट में मजबूर हो गए कि यार बहुत क्षेत्र में अब तो लोग जूते मारेंगे अगर नहीं दिया तो। तो मैंने, आप देखेंगे, दबा के पहले लॉकडाउन में डे वन से शुरू किया था। जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, डे वन शुरू किया, लास्ट तक जब तक हालात अच्छे नहीं हुए तब तक राशन बांटा, सूखा राशन बांटा, रसोई चलाई, खाना परमानेंट बांटा, पूरी सब्जी चावल दोनों टाइम बांटा। इसके अलावा दिल्ली में दंगा हुआ, मेरा दिल्ली से, मैं कहता मैं तो यूपी में जुड़ा हूँ, इंसानियत के नाते मैंने पूरे 2 ट्रक सामान वहाँ ले जाके दिया, हिंदू बहन भाइयों को भी दिया जो ज़रूरतमंद थे, जिनको नुकसान हुआ मुसलमानों को भी दिया, जिसकी ज़रूरत थी वहाँ ले जाके रख दिया और कहा ले लीजिए, और कैश पैसे भी दिए कि भाई आप लोग भी दिए। गुना में आपको याद होगा एक दलित ने आत्महत्या का प्रयास अभी किया था अपने बच्चों के साथ खेत में, DMVM ने आदेश किया था। मेरा मतलब नहीं था, लेकिन मैं उसके बच्चों को देख के मुझसे रहा नहीं गया और मैं गुना गया। मैं 51,000 रुपया उसको वहाँ दे के आया कि ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, छोटी सी कोशिश है आपके परिवार के लिए, आप परेशान हैं, आप इसको रखिए। मुझे वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना था। वहीं तभी बताया कि एक 9 साल की बच्ची का रेप हो गया है, वो भी प्रताड़ित है, बराबर के एक अस्पताल में है। भैया जी आप वहाँ चलिए, आप तो बड़े अच्छे आदमी हैं, कुछ लोग आ गए। मैं उस बच्ची को देखने गया, उस बच्ची के माँ बाप से मिला तो उन्होंने कहा कि कोई नेता, कोई आदमी, कोई व्यक्ति पुलिस वाला पूछने नहीं आया, बच्ची ये एडमिट है, 9 साल की बच्ची है। और मैंने कहा आप लोगों ने कुछ खाया, आप परेशान दिख रहे हैं, कि हाँ एक समोसा था, आधा आधा दोनों हस्बैंड वाइफ ने परसों खाया था। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सारी व्यवस्था उनके राशन पानी खाना की और उनको पैसे भी दिए। तो मेरा वहाँ से कोई मतलब नहीं है मध्य प्रदेश से, या मैं वहाँ से चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, या मुझे नेतागर्दी नहीं करनी है। लेकिन जहाँ देखिए इंसानियत आपकी अगर मर गई तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। अभी एक बच्चे का हमारे बिजनौर में एक्सीडेंट हुआ, वो सड़क पे पड़ा था, उसको मेरठ एडमिट किया, मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, मेरठ गया, उसको उठा के एडमिट कराया, उसके ऑपरेशन का 4-5 लाख का खर्चा था, वो कर आके आधा बिल माफ़ कराया, कुछ लोगों से कहा मदद के लिए, 1 लाख कुछ रुपया मैंने अपने पास से दिया।
तो आई लाइक सोशल वर्क, नेतागिरी के साथ साथ अच्छे काम यदि आप करोगे तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं ना बनूँ विधायक, मैं ना बनूँ सांसद, मैं ना बनूँ मंत्री, ना बनूँ चेयरमैन, बट द डे आई डाई पीपल विल अप्रिशिएट कि हाँ कोई था। कोई ये नहीं कहेगा कि ये भी औरों की तरह भ्रष्ट नेता था या बुरे काम करके गया। एटलीस्ट मैंने उस जो समाज में गलत लोग हैं या जो गलत काम कर रहे हैं, नेतागर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दायरे से हटके एक समाज सेवा का काम किया, लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। ये नहीं किया कि मैंने सरकारी फंड लूट लिया, अपने उस पैसे से कुछ बना लिया या ले लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, महंगी महंगी चीज़ें ले ली, अपने परिवार को ऐश करा दिया। जनता का जो पैसा है वो जनता के हित में खर्च हो। वी विल डाई एंड वेन वी विल डाई सबको खाली हाथ जाना है। तो आई डोंट हैव मच ग्रीड के मैं बहुत पैसा लेके जाऊँ या मुझे बहुत मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन विद माई फैमिली, माई ब्रदर इज़ इन लंडन, वी हैव इनफ टू लुक आफ्टर माई फैमिली। तो हम मुझे पैसे का कोई बहुत लालच नहीं रहता। मेरी बहुत लोग कहते भी हैं कि यू आर मैड, यू डोंट हैव एनी सेविंग, यू डोंट सेव मनी। और तो मैं कहता हूँ किसके लिए, वाई शुड आई, मतलब यहीं आएँ, यहीं तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें यहीं रह जाएंगी। अगर मेरे पास यदि कुछ है और उसको मेरे देने से उसका भला हो सकता है तो वाई नॉट। तो मैं दो निवाले कम खा लूँगा, लेकिन अगर सामने की मेरे पड़ोसी की तकलीफ कम हो रही है तो आई शुड केयर फॉर माई नेबर। फैसल साहब आपकी सोच तो समझ में आ गई, लेकिन जनता क्या है ना, जनता क्यों विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज की डेट में राजनीति का मतलब है कि ऐसे बिजनेस की ओर जाना कि अगर आप सत्ता में आ गए तो फिर लोग कहते हैं ना कि मैंने चुनाव में इतना खर्च किया तो अब मुझे उतना पैसा तो पहले निकालना ही, तो ये बिजनेस सा बन गया है। देखिए कुछ लोगों के लिए बन गया है, लोगों ने बना दिया है। ये क्यों है ये? देखिए सिस्टम बिगाड़ा ना, वो भी हम ही करने वाले हैं। अब बहन जी आई, उन्होंने कहा मैं अपना महागठबंधन का टिकट 20 करोड़ का दूंगी, 25 करोड़ का दूंगी। लगातार लगते हैं, आप देख ही रहे हैं, लोग देते हैं, ये इल्जाम नहीं है। आई एम लाइक हेल श्योर कि ये सब हुआ है और होता है। आप भी शायद नहीं कहना चाहेंगे लेकिन सत्यता क्या है आप जानते हैं। चाहे कोई भी चुनाव हो इस तरह के काम होते हैं। अब जो लोग पैसा दे के टिकट पाएंगे, अनाप शनाप पैसा दे के शराब बांट के वोट खरीदेंगे, तो आप उनसे क्या अपेक्षा करोगे? वो पहले तो ये सोचेगा कि मेरा 10 करोड़ लग गया है, अब मैं ये 10 करोड़ कितने दिन में रिकवर कर लूँगा, इसको 10 का 20 वो सोचूँ। उसके बाद कहेगा ये तो मेरा जो असल था वो इंटरेस्ट के साथ आ गया, अब मैं जो हूँ आगे की अपने बच्चों की और प्लानिंग करूँ, यहाँ जगह खरीदूँ, वहाँ ये करूँ, वहाँ वो करूँ। ये धारणा है यहाँ अच्छी। देखिए आम आदमी पार्टी के लोग मैंने भले ही माना कम हैं या हम लोग अभी जोड़ रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेकिन जितने भी हैं उनकी विचारधारा यही है कि अच्छी इन चीज़ों से जो हम प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोगों को हमारे हक नहीं मिल रहे हैं, ये मिल जाएंगे। सारा सिस्टम को बदलने की सर ये लड़ाई है। और इसको जो है ना बहुत जो गंदगी है, हमारा चुनाव चिन्ह भी झाड़ू है, तो हम इस गंदगी को इस झाड़ू से बहुत बढ़िया करके इस बार साफ करने आए। झाड़ू साहब गंदगी साफ कर देंगे। फैसल साहब आप सेक्युलर पार्टी है, आम आदमी पार्टी, ये बताइएगा आप यहाँ पर जो छोटे छोटे दल, जैसे कि मैं बताऊँ, एक मैं खुलकर बात करता हूँ कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से ही ये मंत्र जो है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जाने का शुरू हुआ। नहीं, दिसंबर से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, दिसंबर में ऐलान किया था। पहले कहा था, हम देखिए आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन लखनऊ जब मैं बना था तो अकेला अध्यक्ष बना, संजय भाई प्रभारी थे उस टाइम भी थे। काम पहले से चल रहा है। एग्जैक्टली, यू डोंट नो ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक छोटा सा ऑफिस था, पार्टी के अंदर था, चल रहा था। तो वो इतना अच्छा नहीं था कि हम वहाँ कर सके, भाई आम आदमी पार्टी, हम लोग इतने पैसे वाले लोग नहीं हैं, उतने हम पे रिसोर्सेज नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं। तो हमने एक अच्छी जगह ऑफिस लेके चलाया मेरे माध्यम से। वहाँ से जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय भाई ने की और सब लोग आए, एक्टिविटीज़ बढ़ी, तो वहाँ संजय भाई पे मुकदमे लग गए, हमारे ऊपर मुकदमे लग गए, देशद्रोह उन पे लगा दिया कि यहाँ गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उस ऑफिस को सील करा दिया गया, मकान मालिक जो मालिक थे उनको प्रताड़ित किया गया कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा बेटा शायद सरकारी नौकरी में है, उनकी नौकरी पे बात आ जाएगी, इनको बोलो कि ये ज़बरदस्ती तुम्हारी प्रॉपर्टी में घुस गए, ये वो दुनिया के इल्ज़ाम लगाए गए। कुल मिला के हमने फिर संजय भाई ने केजरीवाल जी के संज्ञान में आया। दूसरा हमको बहुत अच्छा उससे ऊपर वाले ने ऑफिस दिया जो पत्रकारपुरम में है, अब उससे 10 गुना बड़ा है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और पूरा पार्टी ने फिर सपोर्ट किया। हम किसान आंदोलन से पहले से काम कर रहे हैं, हम उससे पहले से 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला था लड़ाई लड़ रहे हैं, और तमाम मामले जो हुए उन पे, चाहे वो हाथरस कांड हो या जौनपुर वाला कांड हो, सुल्तानपुर हो, तमाम जितने भी महिलाओं के साथ पहले किया, ऐलान हम पहले ही कर चुके हैं, 2020 में कर चुके हैं, उससे पहले 19 में प्रॉपर्ली। लेकिन हमने अपनी तैयारी जो है वो 2020 से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर शुरू की। फैसल साहब ये बताइएगा, जैसे छोटी पार्टियां हुई, आरएलडी हुई,
ये जो सेकुलर पार्टियां हैं इनके साथ भी आप मिल सकते हैं, इनके साथ भी? देखिए, मैं मिलने जुलने पे नहीं कहूंगा, जिसको जिससे मिलना है मिले, आई हैव नथिंग टू डू विद मिलना जुलना। छोटी छोटी पार्टी बिल्कुल थर्ड फ्रंट बना लेती है ऐसा, अब वो बनाए उनका, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आम आदमी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना। यदि केजरीवाल जी कहते हैं वो लोग अच्छे हैं और उनकी बात उनकी समझ में आती है तो दे आर वेलकम, अच्छा काम करना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है। आरएलडी इज गोइंग विद सपा, दैट्स लाइक वेरी वेरी क्लियर नाउ, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो यदि अगर केजरीवाल जी को लगता है और उनको कोई ये विकल्प लग रहा है तो ये उनका फैसला है, वो करेंगे। मुझे तो ये देखना है कि मेरी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 10 साल में सरकार अब बनाएगी, या हम केजरीवाल जी को 2024 में जो चुनाव होना है उसमें प्रधानमंत्री बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मेरा टाइम, मुझे अपने लिए कोई लालच नहीं है कि मैं विधायक बन जाऊँ, ना दें मुझे टिकट, ना लड़ाएँ चुनाव, बट मैं चाहता हूँ यहाँ के बच्चों को, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इलाज मिल जाएगा तो हम क्यों परेशान होंगे। जो आप ये बताओ ना, जो एक आदमी मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे यूपी में मर जाए आदमी, आप दिल्ली में जाओ एक्सीडेंट हुआ सड़क से उठाओ लेके भी जाओगे तो फरिश्ता योजना के अंतर्गत आपको 2000 रुपया इनाम भी मिलेगा, 50 लाख रुपये भी लगेंगे तो गवर्नमेंट देगी उसके इलाज के लिए। यहाँ आपका कोई मर जाता है तो पूछने वाला नहीं होता, कोई सड़क पे हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, सर में, डॉक्टर कहेगा लाइए 10 लाख रुपए जमा कराइए, 5 लाख कराइए। अब गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेली वाला, रेड़ी वाला, इतना पैसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा, वो कहाँ से देगा, तो लोग मर जाते हैं। जब हम अच्छे अस्पतालों की व्यवस्था कर देंगे, यहाँ 3000 करोड़ रुपये की मूर्ति बनाने से विकास नहीं हुआ सर। अगर ये 3000 करोड़ से अस्पताल बन जाते तो कोरोना में जो त्राही त्राही मची और जो मामले हुए वो नहीं हुए होते। ऑक्सीजन का यदि पहले इंतजाम कर लिया जाता तो इतनी जनता ना मरती उत्तर प्रदेश में और तमाम पूरे देश में। तो इन लोगों के पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, ये वेट एंड वॉच करते हैं, कभी टीम 11, टीम 20, टीम 9, व्हाट इज़ दिस रबिश। एक नौसिखिए लोगों के हाथ में कमान आ गई है, एक ढोंगी बाबा के हाथ में कमान आ गई है, जिसको यही आइडिया नहीं है कि करना क्या है। एक चाय वाला है, एक बाबा है, ऐसे लोग देश का नेतृत्व करेंगे तो आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड कि देश की क्या हालत होगी। जब कायदे के लोग देश नहीं चलाएंगे तो वो तो यही होगा। इन लोगों ने क्या किया, संपत्तियां बेच रहे हैं, पोर्ट से लेके हर चीज़, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, हर चीज़ तो बेच रहे हैं इन्होंने। कितनी कंपनियाँ बेच दी इन्होंने, बैंक बेच दिए इन्होंने। इनका क्या था, जो हमारे यहाँ संपत्ति बेचता है माँ बाप की कमाई भी, उसको कपूत कहते हैं। आप मानते हैं इस बात को या नहीं मानते हैं कि हिंदुस्तानी है कि नहीं यार, ये तो कपूत है, और जो बनाता है संपत्ति को वो सपूत होता है। तो इन लोगों ने अपना तो कुछ बनाया ही नहीं, इनको आता है नाम बदलना, इनको आता है बेचना। जो हमारे गांधी जी देश आज़ाद करा गए उनकी संपत्ति थी, हम लोगों की ये जगहें ये उठा के बेच देते हैं, कहते हैं हमने ये फ़ायदा किया। ठीक है फैसल साहब, एक और बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपके आम आदमी पार्टी से हटके जिस पर आप पहले थे, समाजवादी पार्टी की ओर चलते हैं। समाजवादी पार्टी का आपको क्यों लगता है कि कुछ आपको चेंजमेंट लगता है कि 2017 के पहले वो पार्टी जिस लय के साथ चल रही थी, 2017 के बाद कुछ कहीं ना कहीं कुछ खटास के बाद कुछ बिगड़ी है उनकी जो ट्रैक है? देखिए, सब कुछ मैंने कहा, संगठन यदि आपका मजबूत है, अब क्योंकि ये उनका इंटरनल मामला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है उनकी मीटिंग नहीं हुई है, वो अभी बैकफुट पे हैं, अभी क्यों हैं ये मुझे नहीं पता है, या उनकी क्या प्लानिंग है आई एम नॉट अवेयर। तो हो सकता है सबके बैकअप प्लान्स होते हैं, उनकी कुछ और प्लानिंग साथ थे, नहीं साथ था तो अब नहीं हूँ ना, आई उस वक्त थे आप, उस वक्त था तो अब, तब और अब में फ़र्क है ना, तब की आप पूछें तो आई कैन टेल यू कि हाँ क्या प्लानिंग हुई थी, क्या हुआ था, तो आई हैव द होल आइडिया कि क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे हम लोगों ने चीज़ों को किया। बट अब कहेंगे तो हो सकता है उससे बेहतर आइडिया। तो लोग आज तक जानना चाहते हैं कि दरअसल गड़बड़ कहाँ हुई, कि आपस में पार्टी में चाचा भतीजे, देखिए जब अब लड़ रहे मंच पर, अब जो भी हुई देखिए परिवार का मामला है उनके, अब क्या हुआ, मैं बहुत छोटी बात, बड़ी पार्टी के एक, सॉरी ट्विटर, आप एक बड़ी पार्टी के नेता हो जाते हैं, आप एक राज्य के उस वक्त की बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री हो, तब आप एक पर्सनल फिगर नहीं होते, आप पब्लिक फिगर होते हैं, आप एक राज्य की संपत्ति होते हैं, तो ऐसे मंच पर लड़ना ये क्या मैसेज देगा फिर? तो उस वक्त की उनकी लड़ाई है, आप करीबी हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, उनकी उसूलों की लड़ाई थी, जो भी अब अमर सिंह जी को लेके कुछ मामला था, ईश्वर उनको स्वर्ग में जगा दे भाई, मैं यही कहूँगा, तो दुनिया में भी नहीं रहे, उनके वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उनका मामला था जिससे कुछ नाराज़ हुए, कहीं उनको ये फीड कर दिया था चाचा को शायद कि यू शुड बी द नेक्स्ट CM, तो शायद ये चीज़ उनको अच्छी लगी ना हो, या जो भी चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए घर परिवार की, कुछ बातें ऐसी, कुछ घटनाएं होती हैं जो हो सकता है हम लोगों तक आई ना हो, तो उनके इंटरनल मामले हैं। अलगाव की शुरुआत कब से हुई? दैट वाज इन 2000, जब मेरा अलगाव स्टार्टेड इन 17 यू कुड से, इसी के बाद से। हाँ, मैं एक चीज़ से और खुश नहीं था अखिलेश जी की, उन्होंने एक सुनील सिंह को पार्टी में लिया था,
जिसने दंगा में भूमिका निभाई थी, तीन लोगों की हत्या का आरोपी था, और उसने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि मैं मुस्लिम जो महिलाएं मर चुकी हैं अगर योगी जी इजाज़त दें तो उनको कब्र से निकाल के उनका रेप करना चाहूँगा। इस बात से आप नाराज थे, यू बिलीव इन क्लीन पॉलिटिक्स, आपको लगता है क्लीन पॉलिटिक्स? आई बिलीव व्हाई, बिकॉज देखिए आपको सब वर्गों का सम्मान करना है, आप मरोगों को नहीं छोड़ रहे हो यार, आप उनके महिलाओं के लिए ये शब्द यूज़ कर रहे हो, और अखिलेश जी उसको पार्टी मिली, आई डेंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस कि बट दैट्स नॉट गुड, ये ही इज़ नॉट ए पर्सन कि वो आपकी एक सेकुलर पार्टी है उसमें रहे, एंड प्लस क्योंकि मेरे डिफरेंसेस थे, क्योंकि मैंने उनके राज्य मंत्री के चेले चपाटों की बड़ी बारा बजाई थी, बड़े बाजार मारा था, आई कैन स्टिल शेयर यू द वीडियो इफ़ यू वॉन्ट विद शराब एंड ऑल, तो ये पूरा गैंग था। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्या पंडा है, यहाँ कोई नेता यदि आगे बढ़ता है तो सबसे पहले यदि उसकी कोई टांग खींचने वाले होते हैं तो हम लोग होते हैं, और ख़ास तौर से हम मुसलमान लोगों में यदि कोई बनता है तो उसका अपना ही कोई मुसलमान भाई उसकी पैर खींच लेता है, आपस में आगे नहीं बढ़ने देते। तो यहाँ के जितने भी ये चिरकुट नेता थे आसपास के क्षेत्र के, इन लोगों को ये बहुत तकलीफ थी कि मैं इतना करीबी कैसे हूँ, या मेरे घर क्यों आते हैं, या क्यों इतनी बार आ चुके हैं, या मैं एज ए CM रहते बार बार मिल लेता हूँ और वो लाइन में लगे रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को बड़ा अखरता था, और उन लोगों ने बार बार शिकायतें की कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, और कान भरे। फिर जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा, गुस्से में आके लड़ा, आई गॉट रियली अनॉयड एंड पिस्ड ऑफ कि भाई ये गलत है, आप एक ही बंदे को बढ़ाए जा रहे हो या एक ही बंदे को आप सब कुछ दे रहे हो, तो मुझे भी तो जनता की सेवा करनी है, मुझे भी कुछ करना था। तो मैं खुश हूँ उस चीज़ से कि मैं लड़ा और मैंने बहुत अच्छा किया, अनएक्सपेक्टेड मुझे इतने वोट मिले और लोगों ने इतना साथ दिया, दैट वाज लाइक वंडरफुल, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी लड़ाई बदलाव की थी, वो मैंने जब लड़ी। फैसल साहब आखिरी सवाल, सुनिए एक मैं चीज़ और बनाना चाहूँगा, ये तो वेस्ट के लोगों की मैंने बात कही, अब आप आ जाइए आप पूरब के लोगों के ऊपर, आप देखिए कि जब से देश आज़ाद हुआ सरकारें चल रही हैं, कांग्रेस भी आई, BJP भी आई, सपा बसपा सब ही आ गए, जितने मिनिस्टर्स हैं कहाँ के, कहाँ से आते हैं, पूरब से आते हैं, हाँ या ना, जितने अधिकारी हैं कहाँ के हैं, पूरब के हैं, जिससे पूछोगे आप चाहे किसी विभाग में चले जाओ, आप चाहे अस्पताल में चले जाओ, किसी थाने में चले जाओ, किसी भी और सरकारी ऑफिस में चले जाओ, तो यही बोलेगा बनारस, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, फैजाबाद, फलाना ढिकाना, यही चंद जगहों के नाम होंगे। हम लोगों को ये लोग लेते ही नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले ही है, सिलेक्ट करने वाले ही है, जब सरकारें बने तो हम लोगों को यूज़ करते हैं पैसे के लिए, जबकि विकसित उत्तर प्रदेश में यदि कोई जगह वेस्ट है, पूरब में तो कुछ है नहीं, ये तो आप जानते हैं ना, पूरब इज जिस सबकी सब एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू, किसी भी उसमें चले जाइए, लेकिन होल्ड किसका रहता है, ब्यूरोक्रेसी में तो एग्जाम होता, परीक्षा है। अरे सर आप सब जानते हैं सर, यू नो आपको भी अगर मौका मिलता ईमानदारी से रहते तो आप भी जा सकते थे उसमें, लेकिन नहीं होती ना चीज़ें। अभी एक किसी की लड़की को बना दिया था इन्होंने डायरेक्ट उठा के, तो वो ईमानदारी थी, आप कह रहे हो कि ये हो रहा है, कितने लोग पैसा दे के करते हैं, ये ईमानदारी से हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए नेताओं बताइए, इसको छोड़िए, ये ईमानदारी से मान लेते हैं आप कह रहे हैं हो रहा है, आप बताइए सारे नेता क्या पूर्वांचल में ही हैं, जो वहीं के सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, सारे राज्य मंत्री होते हैं, CM उधर का होता है, बताइए ना कितने एग्जाम्पल दूं, या आप चलिए एक सर्वे कराइए और आज की तारीख में ये देखिए कि पूरब से कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरियों पर हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश से कितने हैं, आपको आईना दिख जाएगा साहब। उत्तर प्रदेश की आप बात करेंगे, अलग थलग सा नजर आता है, अलग थलग सा इसलिए है कि यहाँ टूट है सर, बना व्हेन वाज इट लॉन्ग बैक वंस फॉर हाउ मेनी डेज टेल मी ना कि क्या था, तो फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब यहाँ हम उत्तर प्रदेश के लोग इतने काबिल थे कि प्रधानमंत्री दे दिया, तो उसके बाद से क्या कमी आ गई कि साहब हमारे चंद गिने चुने मिनिस्टर्स बनते हैं, चाहे भाजपा की सरकार आ जाए, समाजवादी किया जाए, बसपा किया जाए, मुश्किल से कोई एक दो आदमी होते होंगे, सपा की आई तो साहब आजम खान साहब थे, उनके बाद बड़ा जोर लगाया तो नवाब इकबाल महमूद साहब बने, फिर उनके बाद शाहिद मंजूर साहब ने कहा कि साहब मैं 3 बार का विधायक हूँ मुझे बनाओ, उन्होंने कहा मैं 5 बार का हूँ मुझे बनाओ, कमाल अख्तर आ गए, उन्होंने कहा साहब मैं हूँ मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही राज्य मंत्री हूँ, तो बड़ी मुश्किल में ये लोग बने बाद में 3-4-5, और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ के हुए, सारे पूरब के हुए, बहन जी की आई तो चाहे राजभर जी हों, कुशवाहा जी हों, कोई भी हों, स्वामी प्रसाद बौरिया हो, कहाँ से आए, पूरब से आए, तो ये सब इन लोगों का फंडा है, ये वहाँ के लोगों को देते हैं,
पश्चिम के लोगों को ये यूज़ करते हैं और पश्चिम के लोगों की कमी है। और मेरा निवेदन भी है कि आप लोग एकजुट रहिए, एक साथ रहिए, टांग खिंचाई न कीजिए। यदि कोई किसी भी धर्म वर्ग का लड़का बच्चा या व्यक्ति विशेष किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति हो, खेल हो, कुछ भी हो, अगर आगे बढ़ता है तो हम लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस परिवार को या उस बच्चे को आगे बढ़ाएं, ना कि उनका विरोध करें और उनकी टांग खींचे। वैसे क्रांति की शुरुआत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हुई, हुआ बहुत कुछ है, लेकिन बावजूद इसके आज भी सर अगर हम इधर से बढ़ते हैं, इस पट्टी की तरफ बढ़ते हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बावजूद उसके उतनी भागीदारी नहीं मिल पा रही है ना, तो हमारा ये दर्द है। और यदि हम लोगों की सरकार आई तो बराबर होगा, सबको सम्मान मिलेगा, ये नहीं होगा। हर चीज़ नौकरी होगी तो वो ईमानदारी से मिलेगी, चाहे वो खेल में किसी उसमें जाना चाहता है वो ईमानदारी से सिलेक्शन होंगे। फैसल साहब एक बहुत रूटेड सवाल था, एक सवाल पूछना चाहता था, बहुत रूटेड है कि मुसलमान जो है इनको एक वोट बैंक की नज़र से हर पार्टी क्यों देख रही है, इसलिए देख रही है। ये जो साइकोलॉजिकल है ये कब टूटेगा? देखिए, ये तो हमको खुद ही बदलना पड़ेगा साहब, इसको कोई बदल नहीं सकता, कोई नेता कोई पार्टी वो नहीं कर सकती। सब लोगों में धारणा है या कास्टिज्म और ये सब चीज़ें, इतना आसान नहीं है जाना, अगर आप सच पूछना चाह रहे हैं तो इट्स नॉट ईजी, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है, जातीय समीकरण, मजहब, हमारा मतलब तुम्हारा। चुनाव से पहले जब वो बनाते हैं एग्जिट पोल वगैरह बनाते हैं तो हम लोग भी ठीक है, इतना मुस्लिम यहाँ पर है, इतना यहाँ पर है, इस पार्टी को। अब इन लोगों को भी सब कुछ चुनना होगा ना अपना, कि हमको जाना कहाँ है। मेरा ये कहना है, जहाँ जाओ सच के साथ जाओ, एकजुट जाओ, और जो अच्छा काम कर रहा है उसका आप लोग साथ दो। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से किसी को कोई बढ़िया लगे, लेकिन बात करो ना, बताओ कि अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो दूसरी क्यों बेहतर है। तो मैं तो सबको खुले मन से चैलेंज करता हूँ कि लेट्स टॉक। मैं तो कहता हूँ आप और लोगों को भी मेरे साथ इनवाइट कीजिए, एक खुली बहस कराइए खुले मंच पे कि भाई हम नहीं तो तुम क्यों। तो हम उनको जवाब देना कि भाई हम इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और तुम लोगों को मौका मिला तो तुमने भ्रष्टाचारों के अलावा, पत्थर लगवाने के अलावा, मूर्तियाँ बनवाने के अलावा, और चाहे जल के घोटाले हों, महिलाओं पे अत्याचार हों, कुछ नहीं किया। हम हैं तो कम से कम हम अच्छा काम तो अब कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, लास्ट एक आपका ये है कि आम आदमी पार्टी के तरफ से आपका क्या मैसेज क्या है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, अगर आप डायरेक्ट अपना मैसेज देखिए। मेरा मैसेज ये है कि स्वस्थ अच्छी राजनीति कीजिए, चाहे किसी पार्टी में रहिए, नफरत ना फैलाइए, प्यार, अमन, मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है, इसको आगे बढ़ाइए। और हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने और उसको नई दिशा देने उत्तर प्रदेश में आए हैं, और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे Thank के चुनाव so के लिए। Thank तो you. ये हमारे साथ फैसल साहब मौजूद थे जो हमको बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी का आगे का एजेंडा क्या है, आगे का मॉडल क्या है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को विकसित करने में आम आदमी पार्टी क्या रोल अख्तियार करने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी का भविष्य उत्तर प्रदेश में तय होने वाला है 2022 के चुनाव में। बाकी समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बसपा, ये सभी पार्टियां भी आगे की रणनीति बनाने में लग चुकी हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।